अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर अपने चैनल पे हाजिर हूँ। आप सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद। और जी हाँ, यानो बोलता हूँ आदाब अर्ज है। काम क्यों रहे हो भाई, सर्दी लगी है जी? क्यों नहा के आए हैं? अच्छा, मैंने कहा कि क्यों भाई कांप रहे हैं, अभी तो बहुत सख्त गर्मी है। और दोस्तों सुनाए कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं? उम्मीदें बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने चाचू के जो दरख्त लगे हुए हैं उनकी छाँव में। गर्मियाँ बहुत सख्त हो चुकी हैं, शदीद गर्मियाँ हैं, लेकिन ये जो आप पेड़ पौधे दरख्त वगैरह देख रहे हैं, इनके नीचे बैठने से जो ठंडी हवाएं चलती है ना दरख्तों की वजह से, तो उसकी क्या ही बात है। मेरा घर ये है, आप लोग जानते ही हैं, तो मैं अक्सर दिन में यहाँ आके बैठता हूँ। अभी मेरे वालिद साहब उस साइड पे जो मैंने प्याज लगाए थे ना वो निकाल रहे हैं, तो मैं वो भी दिखाता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कुछ सब्जियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं। और इस साइड पे ये मेरे चाचू अपनी गाय लेके आ रहे हैं, अभी दरख्त के नीचे उनको बांधेंगे। गर्मियाँ चूँकि ज़्यादा हैं। और बाकी सुनाएं दोस्तों, कैसा मौसम कैसा चल रहा है? ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। तो कुछ विजुअल्स हैं स्पेशली हसीब भाई के लिए, मैं भी इस वीडियो के आखिर में लगाऊंगा। रात को एक मरतबा फिर तेज़ तूफ़ानी हवाएं आंधी चलती रहीं, तो हम लोग एक जंगल की साइड पर निकले हुए थे। वहाँ पे थ्रेशिंग मशीन लगाई हुई थी मेरे कज़न वगैरह भाइयों ने और रमीज़ भाई ने वहाँ पे एक शर्त लगाई, जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है कोका कोला, उस पीने की, कि मैं एक मिनट के अंदर अंदर अगर पी लूँगा तो नईम भाई उनको बोतल पिलाएंगे। तो रात को रमीज़ भाई जीत गए थे। वो वीडियो मैं, वो जो क्लिप है वो लास्ट में मैं इस वीडियो के साथ लगाऊंगा, देख लीजिएगा। तो बाकी आज की रूटीन के हवाले से वीडियो होगी। अच्छा, बहुत से दोस्त अहबाब ये पूछ रहे हैं कि आपने शियाब भाई की अपडेट्स देना बंद कर दी हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं वो सऊदी अरेबिया में पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल मकसूद की तरफ, और इंशाल्लाह जल्द वो अपने जो उनका मिशन है वो अचीव कर लेंगे। तो उनके हवाले से अब वीडियोस इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, जो भी कोई ख़ास अपडेट आएगी। देखें मुर्गे वगैरह भी छाँव में, और इस साइड पे ये भूसे को महफूज किया गया है, ऊपर पॉलीथीन जो बैग होते हैं वो लगा के, फिर से कंडे लगा के, ताकि ये पूरा साल चलता रहे, बारिशों से ख़राब ना हो। क्यों भाई जी, कहाँ से आ रहे हो? जिया, क्या नाम है? मुजीब आलम। और आपका नाम? अदनान। अदनान समी खान। और इसका क्या नाम है? अफनान। अफनान, अफनान और अदनान, ये भाई आपका? अच्छा, तो चलें दोस्तों, अभी वाले साहब वो थोड़े से प्याज जो मैंने काश्त किए थे ना, जो आम वो उस साइड पे, ये इस साइड पे ये नज़र आ रहा है ना, ये गोदाम है ना, ये इसके इसके साथ ही हाथ का इशारा, ये मेरा नींबू का पौधा है, तो इधर ही है वाले साहब, मैं वहाँ लेके चलता हूँ। देखिए ये मेरा नींबू का पौधा है, इसके ऊपर अभी फल बहुत आ रहा है, फूल आ रहा है, फूल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और फल भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा। और इस साइड पे ये सब्ज़ी है, ये कद्दू। मेरे वाले साहब वो अभी ये प्याज निकाल रहे हैं, देखें बड़े बड़े प्याज हैं माशाल्लाह। प्याज दो तीन महीने पहले तक 300 रुपये किलो तक भी इनकी जो कीमतें रही हैं, अभी तो 50-60 रुपये किलो है। और इसके अंदर और भी सब्ज़ी है, लेकिन अब जड़ी बूटियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ये देखें, ये जंगली पालक है, इसके अंदर भी प्याज है, मैं दिखाता हूँ। जंगली जड़ी बूटियों की वजह से ना, ये देखें, जंगली जड़ी बूटियों को यही नुकसान होता है, जो भी ताकत या एनर्जी चाहिए होती है फसल को, ये जड़ी जंगली बूटियाँ ना उसका रस चूस लेती हैं। एक और प्याज भी मैं दिखाता हूँ, ये देखें इस साइड पे
और भी सब्जी है, कद्दू है, धनिया भी है माशाल्लाह। ये भिंडी लगी हुई है, भिंडी देखें, फूल भी लगा हुआ है और फल भी। तो ये नईम भाई ने एक दफ़ा तोड़ी भी हैं, इसकी तोड़ाई हो चुकी है। बाकी इस साइड पे बाग है, और ये गंदम देखें, गंदम की जो फसल है इसकी मुकम्मल कटाई हो चुकी है और अब वो सीज़न ख़त्म होने वाला है। एक तुराई ये लगी हुई है, ये भी लगी हुई है, छोटी छोटी है लेकिन ये मेरी फेवरेट है तुराई। पालक भी है, ये पालक छोटी है। तुराई लगी हुई है, ये भी छोटी है भाई। ये देखें प्याज, मेहनत नहीं की, इधर भी लगी हुई है ये छोटी छोटी तुरई। ये देखें, ये तो बड़ी वाली, लंबी वाली। क्या छे क्या दमन समझ नहीं आ रही, कितना है ये, थोड़ी ज्यादा है। अच्छा ठीक है। अच्छा रमीज भाई, क्या आपने बोला ये एक मिनट के अंदर ये सारी पीनी है, एक मिनट में, एक मिनट में। अगर ना पी तो, ना पी तो मैं पिलाऊंगा, अगर पी ली तो ये पिलाएगा। अच्छा चले ठीक है, शुरू, 1 2 3 गो। एक ही बकरी भाई, एक मिनट के अंदर पीनी है अगर जीतना है, एक मिनट के अंदर थ्रेशिंग मशीन लगाते हुए। अभी ब्रेक टाइम है, 15 सेकंड रह गए, 15 कितना जीत गए, कितना आधे मिनट में, 30 सेकंड में इन्होंने बोतल पी और जीत गए। अब नहीं भाई बोतल पिलाएंगे। ये देखें इस साइड पे गीदड़ की आवाजें हैं, इस साइड पे मशीन लगी हुई है और आवाज आ रही है, गीदड़ जंगल की तरफ है। वाह